नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत किया जाता है। इंसान के बनाए हथियारों से भगवान को नुकसान पहुंचाने का शायद ही कोई दुस्साहस कर सकता है। ऐसी हिमाकत पाकिस्तान ने की थी, वो भी एक दो नहीं बल्कि हजारों बार, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ, जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित तनोट राय माता मंदिर में 1965 और 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान द्वारा कई बार बम फेंके गए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। आज भी मंदिर के संग्रहालय में पाकिस्तान द्वारा दागे गए जीवित बम रखे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर के थार रेगिस्तान में 120 किलोमीटर दूर सीमा के पास स्थित तनोट राय माता मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध की कई अजीबोगरीब यादें जुड़ी हुई हैं। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहां तक मान्यता है कि युद्ध के दौरान तनोट राय माता ने भारतीय सैनिकों की मदद की, इसके चलते ही पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। 1965 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान 17 नवंबर तक पाकिस्तान की ओर से तनोट राय माता मंदिर पर भारी बमबारी की गई। दुश्मन के तोपी जबरदस्त आग उगलती रही। लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर में खरोच तक नहीं ला सके। यहां तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे भी नहीं। माना जाता है कि तनोट माता के आशीर्वाद से ही ऐसा हुआ। उस दौरान तनोट राय माता की रक्षा के लिए मेजर जयसिंह की कमांड में 13 ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की दो कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। कब्जा करने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने भारत के इस हिस्से पर जबरदस्त हमले किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब तक गुमनाम रहा यह स्थान युद्ध के बाद प्रसिद्ध हो गया। ज्ञात हो कि पाकिस्तान सेना 4 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सीमा में घुस आई थी, लेकिन भारतीय सेना ने जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया और वह पीछे लौट गई। माता का मंदिर जो अब तक सुरक्षा बलों का कवच बना रहा, युद्ध समाप्त होने पर सुरक्षा बल इसका कवच बन गए। मंदिर को बीएसएफ ने अपने नियंत्रण में ले लिया। आज यहां का सारा प्रबंध सीमा सुरक्षा बल के हाथों में है। मंदिर के अंदर ही एक संग्रहालय है जिसमें वे गोले भी रखे हुए हैं। पुजारी भी सैनिकी है। यह मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है।